Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के लेजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू से जानते हैं। अबुल पकीर जैनुल अबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल परिवार में हुआ था। जैनुल अबदीन और अस्सी अम्मा के 5 बच्चों में से सबसे छोटा बेटा कलाम बचपन से ही बहुत मेहनती छात्र था। वो घंटे घंटे भर पढ़ाई करते थे, खास कर गणित उनका सबसे पसंदीदा विषय था। बचपन में गरीबी की वजह से वो अपने परिवार के रोजगार में हाथ बटाने के लिए घर घर अखबार बेचते थे। कलाम के प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से हुआ था। वहां पर उनका सबसे करीबी दोस्त था रामानंद शास्त्री, जिसे सब राम बोलकर पुकारते थे। तो चलिए दोस्तों कलाम के बचपन की एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। जब कलाम रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में थे तब की बात है। कक्षा 5 में एक दिन कलाम और राम दोनों एक साथ बैठे हुए थे। कलाम एज यूजुअल मुस्लिम वेशभूषा में थे और राम अपने हिंदू वेशभूषा में। जब उस कक्षा में शिक्षक आए और उन्होंने देखा कि दोनों एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का एक साथ बैठे हुए हैं, तब उनको बहुत गुस्सा आया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कलाम को बुलाया और बहुत डांटा। फिर कलाम को बोले वो जाकर कक्षा के लास्ट बेंच पर बैठ जाए। स्कूल के बाद राम ने इसकी शिकायत अपने पिता से कर दिया। राम के पिता पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के ही मुख्य पुरोहित थे। उन्होंने शिक्षक को अपने घर में बुलाया और उनको बोला कि वो इन मासूम छात्र के मन में सामाजिक असमानता के जहर ना फैलाए। उसके बाद उन्होंने शिक्षक के सामने दो विकल्प रख दिए। उन्होंने बोला या तो वो कलाम से माफ़ी मांगे या फिर रामेश्वरम छोड़कर चले जाए। उसके बाद शिक्षक ने कलाम से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने स्वर्ष हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई की और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज और फिर उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में BSc किया। 1955 में कलाम ने MIT में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उनको DRDO में एज ए साइंटिस्ट चुना गया। उसके बाद 1969 में उनको इसरो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसरो में कलाम को एज ए डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तौर पर चुना गया और वहीं पर ही कलाम पहली बार फेल हुए। जी हाँ दोस्तों, साल 1979 SLV-3 कलाम वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर। उनको SLV-3 को ऑर्बिट में पहुंचाना था। उस दिन जो इसरो था वो पूरा भरा हुआ था साइंटिस्टों से। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वैसे ही अचानक कंप्यूटर में फ्लैश हुआ डोंट लॉन्च इट। लेकिन कलाम को पूरा विश्वास था, उनको ये लग रहा था कि ये सक्सेसफुल होगा। कलाम ने उस कमांड को नहीं माना और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट ऑर्बिट पर जाने की वजह जाकर गिरा बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर एक छोटा सा लीकेज था। वही था कलाम का पहला फेल्योर। लेकिन दोस्तों सक्सेसफुल व्यक्ति कभी अपने फेल्योर से हार नहीं मानते। कलाम ने भी नहीं माना। उन्होंने फिर से अगले ही साल SLV-3 को लॉन्च कर दिया और इस बार सक्सेसफुली
SLV-3 ऑर्बिट पर जाके पहुंचा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? नंबर वन, एज ए स्टूडेंट अगर हमें पढ़ाई करने की इच्छा हो या फिर कुछ अच्छा करने की इच्छा हो तो पॉवर्टी विल नॉट बी एन ऑब्स्टकल। नंबर टू, एज ए टीचर मेरे लिए हर एक छात्र समान है, जाति धर्म ये सब शिक्षा का अंग नहीं होने चाहिए। एज ए टीचर आई विल नॉट स्प्रेड एनी कम्युनल इंटॉलरेंस एज वेल एज सोशल इनइक्वलिटी अमंग माई स्टूडेंट्स। नंबर थ्री, एज ए ह्यूमन बींग अकॉर्डिंग टू कलाम फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ योर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग एनफ। तो दोस्तों, यही था APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक छोटा सा वीडियो, कैसे उन्होंने फेलियर का सामना किया और इसके ऊपर जीत हासिल की। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, शेयर करना सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ग्लोरी ऑफ इंडिया सीरीज़ में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।